उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के बाईपास मार्ग स्थित ओपी पब्लिक इंटर कॉलेज में कॉलेज के छात्रों ने 3 दिन पूर्व छात्राओं से छेड़छाड़ कर दी। इसको लेकर आज छात्राओं और उनके परिजन कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज प्रबंधक समिति और स्टाफ ने छात्राओं को बंधक बनाकर पुलिस की मौजूदगी में पीटने का आरोप लगाया है। इससे गुस्साई छात्राओं एवं उनके परिजनों ने बाईपास मार्ग पर जाम कर इलाका पुलिस और कॉलेज प्रबंधक समिति और स्टाफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इलाका पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने आरोपी छात्रों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फिरोजाबाद से श्रीकांत चित्तौड़ी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। पुलिस वालों को बंद कर दिया। मेरी छोटी बहन है और भी मेरे बहन भाई है, सबको बंद कर दिया। मेरे पापा को घेर, मेरे पापा की पट्टी करा सकते हो कोई भी कोई भी मेरी पापा की पट्टी करा सकते। और लड़के थे, एक ने बोला था कि साथ चल रही, वो बाने बोला था कि मैं नहीं जा रही। अरे अगले बदतमीजी कर रहे हो। उन्होंने बोला था कि हम तो ऐसे ही करेंगे, मैं नहीं पता, हम तो रिश्तेदार है बड़े सर रहते हैं पुकार सिंह सर। तो यहाँ पे बड़ी है, दो लड़की और थी मेरे साथ, रजनी और प्रीति। एक लड़का मेरे बगल में खड़ा हुआ है, एक मिनट रुको, मैं बात पूछ तो नहीं दूँ, बाइक खराब था हमने, मेरे बगल में खड़ी हुआ है। पीछे से 3-4 लड़के कहा कह रहे थे, मेरे भाई ने सुन लिया था, बस इतनी हुई थी मेरा। लड़का कौन था वो? वे खड़े हैं, एक कमल की सो रहे हैं और सचिन है और आकाश है। पहले भी ऐसी बदतमीजी कर चुके हैं? नहीं, लड़की भी बात करी, हाँ करी है। हाँ, मैंने कुछ कहा नहीं। कहाँ गए वो लड़के? लड़के टीचर की जानकारी के है। रेखा, रेखा कुमारी। रेखा क्या बात हुई थी? क्या कहते हैं, मेरे पापा है ना, वहाँ पर गए थे, वहाँ मतलब 20-25 जने थे। मेरे पापा अकेले गए थे, मैं गई थी साथ, क्योंकि मैं अपनी बहन भाइयों को लेने गई थी। और मेरे पापा को अकेले घेर के पुलिस वाले लोगों ने पिटवाया। और क्या बात थी, इसके पीछे क्या मामला था पूरा? शुक्रवार दिन था और मेरी बहन अकेला आ रही थी, 3 लड़की थी, प्रीति और रजनी और भारती, और लड़के आ रहे थे पीछे पीछे और बदतमीजी कर रहे थे। मेरे भाई ने सुन लिया था, छोटा था मेरा भाई, उसने सुन लिया था। और मेरे भाई ने कहा था, भाई इधर आओ, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। और मेरे भाई ने कहा था, अब मैं तुम्हें शुक्रवार को देख, मतलब शनिवार को देखूंगा। शनिवार को सारे एक भी लड़के नहीं आए थे सर। नमस्ते। यहाँ पर आप देख लो, अभी मैंने सुना है कि किसी ने ये कहा है कि बच्चियों को कमरे में बंद कर दिया। देखो पूरे कॉलेज में घूम के देख लो, कहीं अरे ऐसी कोई जगह उसके नहीं। साथ मारपीट की गई है, लड़कियों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन समिति ने उनके साथ मारपीट की है। जब उनके माँ बाप बचाने आए तो आप लोगों ने उनके भी साथ मारपीट की और उनको लहूलुहान कर दिया। नहीं, मेरे ये बिल्कुल सरासर झूठ है। न मेरे साथ में, न विद्यालय प्रबंधक किसी से भी किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं। बच्चियों को कहना, बच्चियों को कहना है पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की गई। बच्चियों से छेड़खानी की जाती है, पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की गई जी। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, गलत है, सारी रिपोर्टें गलत है। यहाँ पे असामाजिक तत्व के युवक आते हैं? कहाँ पर? आपके स्कूल में? बच्चियों का कहना है, बच्चियों का मतलब सामाजिक तत्व के लोग इधर जो आते जाते होंगे तो हमें इसकी जानकारी नहीं है, चौको खुला हुआ फील्ड है। सर, स्कूल के आसपास की जितनी भी रिस्पांसिबिलिटी होती है वो आपकी होती है, आपने बच्चियां वगैरह जाती हैं? नहीं, बच्चियां विद्यालय की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती है। नहीं, बच्चियों की निगरानी रखते हैं हम, लेकिन ये जो मैटर है वो बच्चियों से बिल्कुल अलग, बच्चियों का कोई मैटर है ही नहीं है इसमें। नहीं, लड़की का आरोप आरोप गलत है, वो चीख चीख के कह रही है कि हमारे साथ छेड़छाड़ की जाती है और विद्यालय प्रबंधन समिति। गौरी शंकर जी, आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ घटना हुई थी कि मुझे इन लोगों ने बुलाया था फैसले के लिए। अभी कौन से विद्यालय का मामला है? ओपी पब्लिक स्कूल बाईपास रोड,
तो इसमें लड़के हैं कुछ बदतमीज और कुछ मास्टर भी बदतमीज है। तो कुछ लड़की की मतलब बातचीत छेड़खानी में बात आपकी लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला था। हाँ, तो हमने लड़कों को समझाया, मास्टरों को भी वार्निंग दी, लेकिन मास्टर ने कोई इस पर इंक्वायरी नहीं की बच्चों पर। तो शुक्रवार की बात है, ये शनिवार को बच्चे पढ़ने नहीं आए थे, सोमवार को आज पढ़ने आए थे, तो हम लोग स्कूल में गए थे। तो आपके साथ क्या घटना हुई? तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो पहले तो बच्चों से और हमारे एक लड़के से थोड़ी हाथपाई हो गई। हाथपाई होने के बाद में फिर हम वापस आ गए, तो हमने कही इनसे मास्टर लोगों से कि इनके माँ बाप को बुलाओ बच्चों को। तो बच्चों ने कहा कि हमारे माँ बाप नहीं आएंगे, क्या हमारा नाम काट दो। फिर हम मास्टरों ने बोला कि तब तुम घर पर जाओ, कोई बात नहीं होगी। हम घर पर आ गए तो फिर मास्टरों ने और 100 नंबर की पुलिस दोनों खड़े हो गए, गुंडे बुलवाए हैं। गुंडे थे कम से 100। तो मैं गया था वहाँ फैसला के लिए अकेला, तो मुझको वहाँ बंद करके मारा है तमंचों की पट से और एक खेत में डाल के स्कूल के आरोप पता नहीं सर। तो क्यों मारा? ऐसे ना गलती मारा, तो गलती नहीं बताई उन्होंने। लाइन में तो बहुत खड़े होंगे, आपको ही क्यों मारा सर? लाइन में यही तो नहीं पता, हमने पूछी तो हमने कोई आरोप होगा आरोप नहीं अगर पूछ ले बताते तुम बताते पहले से जानते थे? नहीं कुछ नहीं सर, नया एडिशन हुआ, न्यू एडिशन। फिर आपको ही क्यों पकड़ा इतनी लाइन में सर? ऐसा कुछ नहीं था, झगड़ा ढूंढ रही सब छह सब चीज सब हुआ था सभी लोगों से। हाँ सबसे झगड़ा नहीं हुआ था, इन सबको मारा है, हमको भी मारा, सबको मारा। हाँ नहीं पूछी किस वजह से मारा है, क्यों मारा सर? ये नहीं बता रहे क्यों मारा है। छोटी छोटी लड़कियां कह रही कि तुम उनको छेड़ते थे, कमेंट पास करते थे। नहीं सर किसी से क्लास से पूछ लो, कच्चे चले गए। शनिवार को पढ़ रहे स्कूल आए नहीं, तो आज स्कूल आए हुए आज उनसे गई। हाँ भाई, तो फिर वो बोले हमारे घर वालों को मत बुलाओ, अच्छा हमारा नाम कटवा दो स्कूल में से। भाई लड़की कि हमारे घर वालों को मत बुलाओ, तो ठीक है बात यही सब चले गए साहब, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने फोन किया कि फैसला घर वाले आ गए, फैसला करो का बात के बगैर। तो यहाँ पे लड़कों ने उन्होंने डर के मारा है, और जब स्कूल के सामने किनको मारा? हमारे भाई को, मैं गया था वहाँ पे, स्कूल पुलिस वाले लगे हैं और यहाँ पे हम पर दबाव बनाया जा रहा है इधर मारने के लिए लड़कों ने। और कितने लड़के हैं? कितने लड़के लड़कों ने और कितने मारा था? घर वाले जाम लगाओ, लड़कियों लगाया था लड़कियों ने। अरे रुको, रुकियो।